तो संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी ने सभी सांसदों से संसद में स्वस्थ चर्चा करने की अपील की। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए संसद में चर्चा न होने देने का आरोप भी लगाया। देखिए रिपोर्ट। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें कही। एक ओर जहां उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि 2024 एक अहम साल है और हम सभी को सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां याद कर सके। पीएम मोदी ने कहा कि देश पूरे उमंग और उत्साह के साथ 2025 के स्वागत की तैयारी में भी लगा है। उन्होंने कहा कि संसद का ये सत्र कई मायनों में विशेष है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात है हमारे संविधान के 75वें साल में उसका प्रवेश लोकतंत्र के लिए बहुत ही उज्जवल अवसर है। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। यही नहीं, उन्होंने संसद में होने वाली गतिरोध को लेकर भी कहा कि संसद में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों की हुड़दंगबाजी से नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। देश की जनता उनके सारे व्यवहारों की गिनती कर रही है और समय आने पर सजा भी देती है। सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं सभी दल में आते हैं, उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं, सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे। 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। पीएम मोदी ने इस बात पर भी दुख जताया कि कुछ लोग नए सांसदों के अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में विपक्ष व संसद की कार्रवाई को लेकर क्या रुख अपनाती है। कैमरा पर्सन विद्याधर बारिक के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र का सोमवार को पहला दिन था जहां राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस देखने को मिली। देखिए रिपोर्ट।